नमस्कार दोस्तों, भेकासन शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है भेक, जिसका अर्थ होता है मेंढक, जबकि दूसरे शब्द आसन का अर्थ होता है बैठना। दोनों शब्दों का मिला जुला अर्थ है मेंढक की तरह बैठना। भेकासन में पीठ को पीछे की तरफ मोड़कर स्ट्रेच किया जाता है। इसे करने के लिए शरीर के मध्य हिस्से की रीढ़ की हड्डी में काफी लचीलापन और ताकत चाहिए। इसके निरंतर अभ्यास से एड़िया, घुटने और टखने मजबूत होते हैं। इस वीडियो में हम आपको भेकासन करने के फायदे, सही तरीका, विधि और सावधानियों के बारे में बताने वाले हैं। तो आइए भेकासन के महत्वपूर्ण फायदे के बारे में जानते हैं। लोअर बैक, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, कोर एब्स, पैर के पंजे और टखने, घुटने और क्वाड्रिसेप्स को मजबूत बनाता है। एड्रेनल ग्लैंड को सक्रिय करता है। ये ग्रंथियां उस वक्त हमारे काम आती है जब कभी हमें अचानक ही बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम करने की जरूरत पड़ती है। अग्नाशय के कामकाज को सुधारे। भेकासन के अभ्यास के दौरान लोअर एब्डोमेन या पेट के निचले हिस्से में प्रेशर और स्ट्रेच होने की वजह से इंसुलिन का उत्सर्जन बढ़ जाता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बेहतर बनाएं। भेकासन करने से लोअर एब्डोमेन में गहरा स्ट्रेच आता है, जिससे पेट के भीतरी अंग अच्छी तरह काम करते हैं। इसके साथ ही हमारे जननांग भी सक्रिय होने लगते हैं और शरीर में हार्मोन का स्तर भी संतुलित होने लगता है। पूरी टांग के लिए डीप स्ट्रेच। भेकासन करने से शरीर के निचले हिस्से को गहरा स्ट्रेच मिलता है। पाचन तंत्र को बेहतर बनाएं। शरीर का पूरा वजन पेट के निचले हिस्से पर डालने से इस हिस्से को भीतर तक हल्की सी मसाज मिलती है। इससे न सिर्फ हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है बल्कि इसके काम करने की क्षमता भी बढ़ती है। सांस लेने की क्षमता बढ़ाए। भेकासन में शरीर को पीछे की तरफ मोड़ा जाता है और इसके बाद भी शरीर को संतुलन में बनाए रखने के लिए पूरा प्रेशर सीने के ऊपरी हिस्से पर डाला जाता है। इससे सीने की मांसपेशियों के काम करने की क्षमता बढ़ती है और सांस लेने की क्षमता में सुधार आता है। भेकासन करने का सही तरीका। भेकासन करने के लिए धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएं। कभी भी असुविधा होने पर इस आसन का अभ्यास न करें। कभी भी कंधे या घुटनों पर दबाव न डालें। हमेशा ध्यान दें कि आपने वार्म अप कर लिया हो और आपकी कोर मसल्स एक्टिव हो चुकी हो। भेकासन करने की विधि। पेट के बल योग मैट पर लेट जाएं। धीरे धीरे सिर को ऊपर उठाएं। शरीर का ऊपरी धड़ आपकी फोर आर्म पर टिक जाएगा। इसके बाद दाएं घुटने को धीरे धीरे मोड़े। इसके साथ ही एड़ी हिप्स के पास आ जाएगी। दोनों हाथों से बाएं पैर को पकड़कर हिप्स तक लेकर आए। अपनी कुहनी को आकाश की तरफ घुमाएं। इसके साथ ही अपने हाथों को अपने पैरों के ऊपर रख दें। धीरे धीरे सीने को ऊपर की तरफ उठाएं। जल्दबाजी न करें। ये चरण बहुत ही आराम से करें। गहरी सांसें लेना शुरू करें। इसी मुद्रा में 45 से 60 सेकंड तक बने रहें। इसके बाद बहुत ही आराम से शरीर को ढीला छोड़ना शुरू करें। इसके बाद पेट के बल जमीन पर लेटकर आराम करें। जब सांसें सामान्य हो जाए तो इस आसन का अभ्यास 2 से 3 बार और करें। भेकासन करने से पहले ध्यान रखने वाली बातें। भेकासन का अभ्यास सुबह के वक्त ही किया जाना चाहिए, लेकिन अगर आप शाम के वक्त ये आसन कर रहे हैं तो जरूरी है कि आपने भोजन कम से कम 4 से 6 घंटे पहले कर लिया हो। ये भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि आसन करने से पहले आपने शौच कर लिया हो और पेट एकदम खाली हो। तो दोस्तों, इस तरह की और फिटनेस से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।